क्या पूर्वांचल अलग होगा उत्तर प्रदेश से? आखिर क्यों बनाया जा रहा है अलग राज्य? कैसा है पूर्वांचल का नक्शा? अगर ऐसा होता है तो कैसे चलेगा नए राज्य का शासन? कैसे बनता है अलग राज्य? आइए जानते हैं इसका पूरा गणित। सियासत हर वक्त अपने रंग ढंग बदलती रहती है। इस वक्त यूपी के सियासत में काफी उथल पुथल चल रही है। कोई नेता पाले बदल रहा है तो कोई चाले। शतरंज की बिसात बीत चुकी है, चाले चलना भी शुरू हो चुकी है। योगी खुद को राजा समझकर अपने घर में बैठे थे, लेकिन मोदी शाह की शह ने राजा को ढाई घर चलने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, चैनल झन्नाट में आपका स्वागत है। इस वक्त की सियासत पर मुनव्वर राणा साहब का एक शेर याद आ रहा है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की आवाज तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के वक्त से उठ रही है, लेकिन परवान नहीं चढ़ सकी। उस समय यूपी को पूर्वांचल, हरित प्रदेश और अवध यानी उत्तर प्रदेश, इन चार टुकड़ों में बांटने की बात हुई थी। अब एक बार फिर पूर्वांचल को अलग करने की बात उठी है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पूर्वांचल के 27 जिलों को मिलाकर बुद्धा लैंड बनाने की बात कर रहा है। लंबे समय एक बार फिर ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी उठापटक चल रही है, तब पूर्वांचल प्रदेश को अलग करने की बात सियासी हलकों में उठ रही है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा चल पड़ी है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व यूपी का विभाजन कर पूर्वांचल राज्य बनाने पर विचार कर रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब से यूपी की राजनीति में पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा सक्रिय हुए हैं और MLC बनाए गए हैं, तब से यूपी पूर्वांचल के विकास की बात हो रही है। शर्मा पूर्वांचल के विकास पर फोकस भी कर रहे हैं। माना जाता है कि पूर्वांचल में सक्रिय क्षेत्रीय पार्टियों के वर्चस्व को तोड़ने और योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करने के लिए भाजपा का एक बड़ा वर्ग पूर्वांचल राज्य का राग छेड़कर नई राजनीतिक हवा देना चाहता है। पूर्वांचल अलग राज्य बनता है तो गोरखपुर भी नए राज्य का हिस्सा होगा। यह योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। योगी 1998 से 2017 तक 5 बार गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। योगी गोरखपीठ के महंत भी हैं। इसका केंद्र गोरखपुर में ही है। पूर्वांचल यूपी का पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। इसकी वजह, मुख्य वजह यह है कि यहाँ जाति आधारित राजनीति और एक विशाल जनसंख्या प्रमुख वजह है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी, उचित ग्रामीण शिक्षा और रोजगार का अभाव कानून व्यवस्था को चिन्हित किया गया है। पूर्वांचल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नायक मंगल पांडे इसी क्षेत्र के बलिया के मूल निवासी हैं। संत रविदास नगर, बदोही और मिर्जापुर एशिया में कालीन निर्माण में प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। प्रयागराज इसका प्रमुख और बड़ा शहर है। जिला वाराणसी भारतीय पर्यटन और विशेष रूप से साड़ी के निर्माण का केंद्र है। सोनभद्र पूर्वांचल का एक जिला 7000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, जो उत्तर प्रदेश के राज्य में कुल बिजली उत्पादन के लगभग आधा है और भारत का सबसे बड़ा और केवल चूना पत्थर की प्रमुख खदानें हैं। वाराणसी और कुशीनगर कुल उत्तर प्रदेश में आने के पर्यटकों के 65% से अधिक लोगों को आकर्षित करता है। मिर्जापुर और सोनभद्र प्राकृतिक संसाधनों के साथ बहुत समृद्ध है। सबके बावजूद पूर्वांचल अभी भी राज्य में सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, जिसका मुख्य कारण सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा उचित ध्यान की कमी। गोरखपुर को पूर्वांचल की राजधानी भी कहा जाता है। नया राज्य बनाने का प्रावधान यह है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत अलग राज्य के गठन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। वह किसी भी राज्य को बड़ा या घटा सकती है। वह नाम भी बदल सकती है। पहले विधानसभा में प्रस्ताव पास किया जाता है, फिर राष्ट्रपति को भेजते हैं। इस पर केंद्र कदम उठा सकती है। यूपी के चार हिस्सों के बंटवारे का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास से होकर गृह मंत्रालय तक पहुंच चुका है। सरकार फैसला ले तो गृह मंत्री संसद में नए राज्य के गठन का प्रस्ताव पेश करते हैं। इस क्षेत्र के विधायक नए राज्य के विधायक होंगे। नए राज्य
की प्रोविजनल विधानसभा होगी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। यहाँ बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। नए राज्य में 125 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटें हो सकती हैं। यहाँ भाजपा 115 सीटों के साथ बहुमत में है। योगी आदित्यनाथ इसी क्षेत्र के हैं, तो वे नए राज्य के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ को अलग राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने के दावे की हवा निकालना है। वहीं पूर्वांचल में सक्रिय क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व तोड़ना भी प्राथमिकता में है। बैठकों पर बैठकें चल रही हैं, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं संघ की सहमति से लिए जा रहे हैं। फिलहाल योगी की कुर्सी पर संघ का आशीर्वाद बना हुआ है।